ओके okay, अब हम इस लेक्चर में हम बाउंड्री बॉस की कमांड को सीखते हैं। सबसे पहले आपने एक स्केच क्रिएट करना है उस तरह जिसमें आप एम्प्टी मटेरियल अवेलेबल हो ताकि वो बाउंड्री बॉस के जरिए हम फिल कर सके। एक रेक्टेंगल ड्रॉ की मैंने एंड देन द सेकंड रेक्टेंगल एंड आल्सो द थर्ड वन। सो इसे हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसे वन बाय वन एक्सट्रूड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। कितनी एक्सट्रूड करना है इसको? ओके ये 20-30 तक कर लेते हैं हम इसे। ओके फ्रॉम द सेकेंड बॉडी थर्ड स्टेप पे हम इसको करेंगे, हम इसको 40 तक कर लेते हैं। ओके एंड नाउ द रिमेनिंग पोर्शन ओके अब मैंने ये एक 3D बॉडी ड्रॉ कर दी है। अब इसमें ये एम्प्टी पोर्शन है, अब मैं चाहता हूँ इसमें ये कर्व टाइप मटेरियल फिट हो। अब हम बाउंड्री बॉस कमांड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मटेरियल फिल करेंगे। आप यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का मटेरियल भी फिल कर सकते हैं और किसी एंगल पे मटेरियल फिल कर सकते हैं। तो अभी जो डिफिकल्ट पार्ट है वो मैं आपको करके बताता हूँ, किसी एंगल पे मटेरियल फिल करना वो किस तरह करना। सबसे पहले हम जाएंगे 3D स्केच में, ऑलरेडी मैंने 3D स्केच सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली स्केप विभाग के बैच। आप अपने फीचर्स पे जाना है, यहाँ पे आपने जो कमांड इस्तेमाल करनी है वो है बाउंड्री बॉस कमांड। इस पर क्लिक करना, डायरेक्शन वन पे क्लिक करना और आपने डायरेक्शन वन पे लाइन सेलेक्ट कर लेनी। डायरेक्शन टू वाले बॉक्स पे सेलेक्ट करना, फिर देन आपने ये बॉक्स सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इस तरफ करना चाहते हैं, अगर आप इस तरफ करना चाहते हैं आप ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर ले। मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ, तो फेस मैंने यूँ ही सेलेक्ट किया, मेरे पास ये शेप क्रिएट हो चुकी है। अब बचाए इसके मैं ये भी कर सकता हूँ, ये चेक करें, इससे भी आपके पास एक स्ट्रक्चर इस तरह की ड्रा हो जाएगी और ये पार्ट मेन एम्प्टी रहेगा। अब मैं ये वाला कर लेता हूँ, फिर मैं ओके करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अजीब सी स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। सो आई होप बाउंड्री बॉस कमांड आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।